पूरा प्लान पहले से चॉकआउट किया था एंड उनसे सबसे बीएमसी और पुलिस आरटीओ सबसे बात करी एंड सब लोगों ने दे दी परमिशन, माना कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। बहुत मज़ा आया आज गाना शूट करके। हम एक्चुअली एक गाने की शूटिंग कर रहे थे और जैसा विवेक ने कहा, लोग बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत मज़ा आया। जयंता भाई की लव स्टोरी सेकंड लास्ट दिन है एक्चुअली ये, और बहुत मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में। और पिक्चर में लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची है ये तो आप देख के बताइएगा, बट हमने बहुत दिल से बहुत प्यार से इस फिल्म को बनाया एंड रियली एंजॉय द एक्सपीरियंस। विनिल हैज बीन अ प्लेजर टू वर्क विद। इनका बहुत ही क्लासी स्टाइलिश हॉट एंड सेक्सी सॉन्ग है, बट वैसे हमारे पिक्चर में गाने भी बहुत अच्छे हैं तो गानों पे काफ़ी जोर दिया गया है और हमारी पिक्चर बहुत सिंपल एंड स्वीट है जो कि पूरे बॉम्बे में शूट की गई है। गा के सुनाइए। कोशिश कर करके मार जाते हैं, लड़कियां बताएंगी कैसे कोशिश कामयाब होती है। आई थिंक जब लड़के मैं आपको इंप्रेस करना हो तो कैसे किया जाए? यू डोंट हैव टू ट्राई वेरी हार्ड। इसमें ये नया है कि नॉर्मली आप पिक्चर देखते हैं लव स्टोरी तो उसकी कहानी होती है बॉय मीट्स गर्ल, ये पिक्चर है भाई मीट्स गर्ल। और जयंता भाई जो है वो एक बहुत खूबसूरत लड़की से, सिमरन से मिलते हैं, और एक भाई है और एक सॉफ्टवेयर आईटी प्रोफेशनल है, तो दोनों की दुनिया बिल्कुल जुदा है। और इस दुनियाओं के अंतर के बीच में इन दोनों की एक लव स्टोरी खिल उठती है। ये ग्रे कम और रेड ज़्यादा है, रोमांटिक पिक्चर है और भाई का रोमांटिक अंदाज है। विनिल, यू वांट टू से समथिंग? लाइक कैसे स्टाइल क्या है? इसमें बेसिकली क्या है कि ये जाती है ऑफिस में काम करने, ये जाते हैं भाई के लिए करने। और वो तो है ही ना, एक डायलॉग के साथ मतलब कहना चाह रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे अगर आप इंट्रोड्यूस करें कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो जयंता कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? अबुन जयंता, ये सिमरन अपनी माल है बिड़ो। हाँ, एक्चुअली हमने बहुत सारे बच्चों को बुलाया था एक सीक्वेंस करने के लिए, तो बच्चों से पूछा कि आप क्या करना चाहोगे, तो बच्चे सारे एक्साइटेड थे, बोला था भैया हम आपको गैंगनम स्टाइल का वो स्टेप दिखाएंगे, तो मैंने देखा और उनसे सीखा एंड वी डिसाइडेड टू पुट इट इन द सॉन्ग। बोले तो अपुन का नाम जयंता, ये अपुन की माल सिमरन, अपुन दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम नॉट।